लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप कौन? भगवान। भगवान? और यहाँ? मैं तो हमेशा से यहीं था, तुमने आज देखा। अच्छा, तो भगवान है आप, प्रकृति के कण-कण में है आप। तो उस वक्त कहाँ होते हो तुम जब लोग तुम्हारा नाम लेकर किसी से उधारी मांगते हैं और लौटाते नहीं है? कभी बीमारी के नाम पर, कहीं हालात के नाम पर, तो कहीं समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या क्या बहाने करते हैं। और जब लौटाने की बात आती तो ऐसा चेक देते हैं जो सिर्फ बाउंस होता है, बाउंस। किसी को तुम्हारा खौफ नहीं है भगवान, किसी को। अरे कभी इंसान बनकर देखो तब पता चलेगा। मैंने तो हर युग में इंसान का रूप लिया है और कितने दुख सहे हैं ये बात तुम सब भली भांति जानते हो, लेकिन मैंने दुखों का सामना किया है, भागा नहीं हूं। और तुम पर जरा सी तकलीफ नहीं आई कि तुम मरने मारने पर उतर आए? तो क्या करे, मोम का जिस्म लेके कैसे जिए संसार में जब हालात हर वक्त अंगार उगलते हैं। तुम इंसानों में भी ना या तो वाल्मीकि बसे हुए हैं या तुलसीदास, क्योंकि मुझे सुनाने के लिए हर आदमी के पास अपनी एक राम कथा होती है। मेरे सामने आकर इस दुनिया का हर आदमी कहता है कि यह दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। अगर हर आदमी धोखा खा रहा है तो फिर धोखा कौन दे रहा है भाई? तुम लोग बालक बनकर जीते हो, बड़े होना ही नहीं चाहते। ये चाहिए उसे क्यों दिया, मुझे दो, अभी दो, नहीं दोगे तो मैं मंदिर के घंटे से सर तोड़ दूंगा, जान दे दूंगा, तुम्हारी मूर्ति उठाकर फेंक दूंगा। अरे ऐसी धमकियां तो टेररिस्ट भी नहीं दिया करते भाई। सुबह सुबह जब मैं फ्रेश हवा खाने के लिए मंदिर पहुंचता हूं तो तरह तरह के भक्तों की एक लंबी कतार खड़ी होती है और मांगते क्या है हुँ? एक वकील भक्त कहता है, हे भगवान, इस दुनिया में क्राइम कभी खत्म ना हो वरना मेरे साथ नाइंसाफी होगी। डॉक्टर कहता है, हे भगवान, दुनिया में जितनी है नर नारियां उतनी ही बनाइए बीमारियां। बीमार कहता है, हे भगवान, जल्दी ठीक कर दो। अब मैं किसकी सुनूं? हा? तुम लोगों की वजह से मेरा भगवान बनकर रहना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई इस जिंदगी में अच्छा काम किया है तो वो काम करते रहना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। भरोसा रखो अपने आप पर, नेकी का दामन कभी मत छोड़ो और फिर देखना इसी दुनिया में तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। संघर्ष जितना ही कड़वा होगा सफलता उतनी ही मीठी होगी। और सुनो, वो जहर नकली था, 4 घंटे बाद तुम्हें होश आ जाएगा। तुम इंसान भी ना जहर भी असली नहीं बना पाते, अब ये भी क्या मेरा ही दोष है? भगवान मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मैंने हमेशा ही किया है, आई ब्लेस यू। हाँ हाँ पहुंच रहा हूं, पहुंच रहा हूं, थोड़ा सा तो धीरज रखो। तुम्हारी ही तरह एक और दुखी मेरी राह देख रहा है, चलता हूं।
भगवान 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 जी भगवान भगवान हे भगवान। निस दिन जपूं तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। निस दिन जपूं तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। घनश्याल मोरिया घनश्याल मोरिया घनश्याल मोरिया घनश्याल मोरिया। तेरे दरस को निकले हम, चालक तू है सवारी हम। हर भूला मंजिल को पाए, सबको सच्ची राह दिखाए, मन को मिले आराम। माँ माँ, आज के बाद तुम और गायत्री पूजा के लिए मंदिर नहीं जाओगी। मगर बेटा। बस माँ, मैं सब जानता हूँ माँ, सब जानता हूँ। अरे बाबा सुट्टो सुट्टो। अरे एसी लगाना चाहिए ना ड्राइवर, एक मिनट गाड़ी के बाहर आओ, कुछ बात बोलने का है। अरे बाबा इतना अच्छा अच्छा बात करता है, तुम हंसता ही नहीं बाबा। अरे ड्राइवर से याद आ, मेरे पास एक अंग्रेजी ड्राइवर आया था नौकरी के लिए, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला स्क्रू। मैंने बोला बाबा मेरे को ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर नहीं। वैसे ड्राइविंग में दर्द होता है पता है, उसको क्या बोलता है? क्या? पेन ड्राइव। वैसे एक बात बताता हूँ बाबा, ये ड्राइवर मालिक का डेफिनेशन क्या है पता है? क्या? जो गाड़ी चलाता है वो चालक है, जो पीछे बैठता है वो चालक है। अरे बाबा जोक तो मेरे पड़े था, चालक। चालक 200 400 20 20। अरे 10 रुपये डिस्काउंट दे दो बाबा, डिस्काउंट दे दो बाबा, डिस्काउंट 10। अब बस। अरे बस नहीं है, टैक्सी है। हम जाते हैं सुट्टो साईं। अरे सर ये बैग आपका है क्या? कौन सा? ये बैग, ये आपका है? ये बैग, ये बैग मेरा है। हाँ वही मेरा, नहीं तो क्या तेरा है? अरे पापा बैग मेरा है, पैसेंजर को लूटता है, दूसरों का सामान अपना सामान बताता है, हम जाता है, ये बैग आपका है। थैंक यू। चार सौ 410 रुपया में गिफ्ट मिल गया है। अच्छा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी भी लावारिस वस्तु या बैग को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। अटेंशन प्लीज। अरे बाबा बाबा ये बैग टेढ़ा है, ये बैग टेढ़ा है, मेरा नहीं है, पकड़ पकड़ हाथ में, ये तो आपका है। अरे दूसरों का बैग दूसरों को देता है, गमी ना दलिदर, चोरी करता है पैसेंजर को। अरे समझता नहीं है, बैग मेरा नहीं है। अरे तुमको कैसे बोले बैग मेरा है, ये बैग तेरा है, गली पकड़ा येड़ा तेरा बैग मेरे हाथ में देता है, तुम समझता क्या अपने आप को, पैसेंजर को लूटता है, ये बैग तेरा है, ये तो बैग तेरा बाबा, रख बैग। अरे अजीब पागल आदमी यार, कभी बोलता मेरा है कभी बोलता तेरा है, तेरा मेरा दिमाग फिर। ये तो वाकई मेरा बैग है।
हेलो, हॉस्पिटल मैडम, फोन आया था मेरे को। पेशेंट इज देयर। मरीज? मरीज? प्रकाश, अरे प्रकाश। प्रकाश? हाँ? कई दिनों से यहाँ एडमिट हैं। इनके पैसे ना जमा होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट रुका हुआ है। और आपने मुझे बुला लिया, गलती की आपने। क्यों? इस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे प्रकाश, ऐसे मत कहो प्रकाश। क्या बात करूं? हाँ, अभी आपका कौन सा नया नाटक है गुरुजी? गुरुजी मत बोल बेटा, गुरुपद के लायक नहीं हूँ। मैंने तुझे फंसाया बेटा, तुम्हारे 20 लाख रुपए ले लिए मैंने धोखे से। अब देखो ये करने का फल भुगत रहा हूँ बेटा। बेटा, धोखे से लिए हुए पैसे मैंने रागिनी को दे दिए बेटा, क्योंकि मैं रागिनी से शादी करना चाहता था बेटा। हमने शादी करने का फैसला लिया और उस दिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पड़े, कोई मिलने नहीं आया। तो आप क्या चाहती हैं कि इनके इलाज का पैसा मैं दूं? इन पे दोबारा विश्वास कर लूं? पैसे के लिए नहीं बुलाया, मुझे प्रायश्चित करना है बेटा। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी इसलिए बुलाया बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया बेटा, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, इनके इलाज में कितना खर्चा आएगा? बेटा मेरी किडनी डैमेज हो गई है बेटा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। इनके पूरे इलाज में 18 से 20 लाख का खर्चा होगा। 20 लाख? नहीं बेटा, नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू कीजिए इनका इलाज। ओके, आप काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए। चलो। कम ऑन, पिक अप। हाँ परमा। मुबारक हो मनुष्य रूप धनुष, तेरा गाना तो छा गया है गुरु। मैंने कहा था ना ये गाना 100% हिट होगा। वैसे कहाँ हो तुम? मैं यार। ठीक है, जहाँ कहीं भी हो यार, तुम घर पे पहुँचो, मैं वहीं पहुँच रही हूँ। ओके, यू नो व्हाट, तुमसे कितने बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं। अरे कितने लोग तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं। ओह गॉड, आई एम सो 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 हैप्पी। यू रीच डूड, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, सी यू, बाय। पटाखी सू बढ़िया सन्नाटे के वार्ड के नाटे से माल की गाड़ी के डिब्बे से गवस्कर के बल्ले निषाद के हाथों से जो चाय बन गई। प्रकाश, आज मेरी अस्पताल से छुट्टी होने वाली है। मैं ये अस्पताल छोड़कर जा रहा हूँ। ससुराल वाले कहते हैं कि हाफ शर्ट पहन के नहीं आना, हाफ शर्ट में तो हाफ माइंड लगता है। फुल शर्ट चाहिए तेरी, मुझे ये तेरी फुल शर्ट चाहिए। मुझे फुल माइंड होना है क्योंकि आज तक मैं अपनी शर्तों पे जिया हूँ, लेकिन आज मैं तेरी शर्ट पहनकर फुल माइंड लगना चाहता हूँ। कहना ना होगा ना कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है। अरे इनको समझाओ। रुको, मैं समझाता हूँ। मैं इनको जानता हूँ, आप नाना हो ना?
जानता हूँ इनको मैं। ठीक है, ये शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं अपनी शर्ट इन्हें दे देता हूँ। आपने के लिए कोटेशन बता दीजिए। शर्ट बदल के खुश हो गए? आप मैड कहीं का? आप मैन किसे कहता है? औकात में रहा, औकात में, मैं फुल मैड हूँ, फुल मैड। मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो। थैंक यू मेरे दोस्त, कमाल कर दिया तूने। और ये भी तेरा है? आज सब कुछ तेरा है। और ये मेरे। थैंक यू, कांग्रेट्स, सक्सेस, मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ग्रैंड सक्सेस। अरे थैंक यू यार। आप कौन? आप दाल राइस? अब दाल राइस? अरे नहीं बाबा, मिस्टर अब्दाल, मिस्टर रईस। अच्छा, अब्दाल रईस। इनकी इवेंट कंपनी है और मेरी म्यूजिक वीडियो कंपनी है, और हम दोनों आपको साइन करने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं आप? एज सर 30 लाख टाका। बाप रे, 15 लाख मेरी तरफ से, 15 लाख इनकी तरफ से। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं दादा, मना मत करना है। लेकिन वो ये इतना पैसा, बताओ ना किस किस के साथ काम किया है? हमने बापी दा के साथ वर्ल्ड टूर किया है, मिका दा के साथ किया है, शानू दा के साथ किया है, सोनू दा के साथ किया है, प्रकाश दा, अब आपके साथ हम वर्ल्ड टूर करेगा। साइन साइन साइन। ये मौका साइन नहीं है, ऑटोग्राफ के प्रकाश दा का। मां तो काका जो है गेलो। मां देख रही हो? मां इसे अपने हाथों से छू के मुझे आशीर्वाद दो। गायत्री आजा बेटा। नहीं मां, अब रोना नहीं। वाह भगवान वाह, मैं तो मर के स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन तूने तूने तो मुझे जीती जी स्वर्ग दिखा दी। दिल करता है भगवान तुझे सैल्यूट करके यहाँ वेल्डिंग मरवा लूँ। इसे कहते हैं मनी बैक गारंटी।